please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के करीबी तारिक परवीन को गिरफ्तार कर लिया है। तारिक परवीन को ठाणे के मुमरा से गिरफ्तार किया गया है। तारिक परवीन पर 1998 में डबल मर्डर और वसूली के मामले दर्ज हैं। और ठाणे पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इसे गिरफ्तार किया है। मुमरा से इसकी गिरफ्तारी की गई है। पकड़कर ये पूछताछ करने की भी कोशिश की, इनके अलावा भी कितने और ऐसे आपराधिक मामलों में ये शामिल रहा है। तारिक परवीन पर खासतौर पर 1998 में डबल मर्डर और वसूली के मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ये करीबी माना जाता है। तारिक परवीन को एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने मुमरा से गिरफ्तार किया। दिल्ली के शालीमार बाग में एक मकान के अंदर एक महिला जमीन पर लेटकर रोती नजर आई। इस महिला का आरोप है कि उसके बेटे को डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम अपने साथ ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। और जैसे ही ये खबर उसकी मां को मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के दूसरे सदस्य भी मातम में डूबे दिखाई दिए। घर वालों का आरोप है कि डीआरआई की टीम ने तस्करी के आरोप में उनके बेटे गौरव गुप्ता को हिरासत में लिया था, लेकिन इस दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे हस्बैंड सुबह सही सलामत गए थे, रात को कहाँ चले गए मेरे को जवाब चाहिए और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया गया। वहीं डीआरआई ने पीड़ित के घर वालों के आरोपों को खारिज कर दिया। डीआरआई ने सफाई दी कि उन्होंने गौरव गुप्ता की दुकान और घर पर छापेमारी की थी, लेकिन वो उसको पूछताछ के लिए अपने साथ नहीं ले गए। हालांकि डीआरआई का दावा है कि छापेमारी के बाद गौरव खुद उनके दफ्तर पहुंचा और वहां से कूद कर आत्महत्या कर ली, लेकिन गौरव गुप्ता के परिजनों ने डीआरआई के तमाम दावों को झूठा बताया और आरोप लगाया कि डीआरआई की टीम ने छापेमारी के बाद गौरव को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। साथ ही घर वालों ने ये आरोप भी लगाया कि गौरव के बारे में डीआरआई की टीम ने उनको धोखे में रखा और पूछने पर उसके सही सलामत होने की जानकारी दी, जबकि गौरव की मौत पहले ही हो चुकी थी। सुबह लेके गए मुझे और उसको साथ लेके गए और बहुत मारा, मेरे सामने मारा। डीआरआई के मुताबिक उसे जानकारी मिली थी कि शालीमार बाग में सोने चांदी का कारोबार करने वाले गौरव गुप्ता के पास तस्करी का सोना और चांदी रखा है, जिसके बाद डीआरआई ने गौरव गुप्ता के घर और दुकान पर छापा मारकर वहां से विदेशी मार्किंग वाला 41 किलो सोना और 213 किलो चांदी बरामद की, जिनको लोहे के एक लॉकर में छिपा कर रखा गया था। दिल्ली एम्स के जूनियर डॉक्टर नारेबाजी करते नजर आए। आरोप है कि एम्स के एक सीनियर डॉक्टर अतुल कुमार ने एक जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी और आरोपी डॉक्टर अतुल कुमार पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से खफा जूनियर डॉक्टरों ने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर अतुल कुमार ने हमारे एक सीनियर रेजिडेंट को थप्पड़ मारा और उसको उसके साथ गाली गलौज किया। हड़ताली डॉक्टरों ने आरोपी डॉक्टर अतुल कुमार पर पहले भी जूनियर डॉक्टरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वो पहले भी लोगों को हमारे रेजिडेंट्स को प्रताड़ित करते रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को अपनी हड़ताल से अलग रखा ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हड़ताली डॉक्टरों का दावा है कि आरोपी डॉक्टर के रसूखदार लोगों से संबंध है, लिहाजा थप्पड़ कांड की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बननी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंक्वायरी की इसमें मांग करते हैं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हड़ताली डॉक्टरों का आरोप है कि उन्होंने जब इस घटना की शिकायत एम्स प्रशासन से की, तो आरोपी डॉक्टर अतुल कुमार पर कार्रवाई करने के बजाय एम्स प्रशासन ने उन लोगों को ही डराया धमकाया। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यही कहा है कि हम जो है आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हम लीगल कार्रवाई करेंगे, आपको हॉस्टल से निकलवा देंगे। जूनियर डॉक्टरों ने ऐलान किया कि अगर एम्स प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की तो वो लोग आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल अपने हाथ में कुछ कागज लेकर दिखाने लगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई एक रिपोर्ट की कॉपी मीडिया को दिखाई। इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे काबिल जज बताया था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इस रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। वो केवल वही जजेस चाहती हैं हमारी केंद्र सरकार जिन पे उनकी सहमति। हालांकि कपिल सिब्बल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इंदु मल्होत्रा को जज बनने की बधाई देते हुए की, लेकिन इसके बाद उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि जस्टिस के एम जोसेफ ने उत्तराखंड में हाई कोर्ट के जज के तौर पर सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था और आरोप लगाया कि यही वजह है कि केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति में अड़ंगा लगा रही है और केंद्र सरकार को लगता है कि जस्टिस के एम जोसेफ जज बनने के काबिल ही नहीं है।
कपिल सिब्बल ने दावा किया कि सरकार का ये रवैया न्यायपालिका के लिए घातक है। हिंदुस्तान की जुडिशरी खतरे में है और अगर हमारी जुडिशरी एक आवाज में इकट्ठा खड़े होकर अपनी स्वायत्तता की सुरक्षा नहीं करती तो फिर लोकतंत्र खतरे में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को अहमियत न देने का आरोप भी लगाया। हालांकि इन आरोपों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उल्टे कांग्रेस को अपने दामन में झांकने की नसीहत दी और केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भारत की न्यायपालिका की गरिमा को कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उनका पिछला रिकॉर्ड यह स्पष्ट बताता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम से जस्टिस जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है, लेकिन जस्टिस के एम जोसेफ को जज न बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने इसे चिंता भरा फैसला बताया, जबकि इस मामले पर न्यायपालिका के कुछ बड़े चेहरों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें वकील प्रशांत भूषण भी शामिल थे, जिन्होंने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया। ट्राइंग टू इरोड एंड डिस्ट्रॉय द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बाय नॉट अपॉइंटिंग द पीपल दैट द कोलिजियम हैज रेकमेंडेड। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल रहे सोली सोराबजी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि जजों की नियुक्ति कोलिजियम करता है और इसमें सरकार का दखल नहीं होता। गवर्नमेंट कैन गिव इंफॉर्मेशन टू द कोलिजियम। लेकिन इन दलीलों को एक सुर में कांग्रेस ने नकार दिया और आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या मोदी सरकार कानून से ऊपर है।